हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह की 9 बज चुकी हैं और मैं अभी जा रहा हूं अपने नानी के गांव। और आज परसों घर आया था तो नानी के पास मैं हमेशा ही जाता हूं, क्योंकि मेरी नानी रहती है अकेला और क्योंकि मामा जी हैं वो देहरादून में ही रहते हैं और गाँव में सिर्फ नानी अकेला रहती है। तो क्योंकि आपको पता ही है, जो बूढ़े आदमी होती है उनको ज़्यादा कहीं जाना पसंद नहीं होता है, ज़्यादातर अपने जहाँ पे उनका घर है गांव में वहीं रहना पसंद करते हैं। तो वैसे मेरे नानी भी है और नानी रहती है गांव में, हमारे घर से ज़्यादा नहीं, बस आधा एक घंटे का रास्ता है। क्योंकि आधा एक घंटे का रास्ता इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा पैदल ज़्यादा जाना पड़ेगा यहाँ से, उसके बाद रोड में जाके फिर मैं वहाँ से अपनी बाइक लेके जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कैसा है मेरे नानी का गाँव। क्योंकि पड़ता तो हमारे डागर पट्टी में ही है और बहुत अच्छा है उधर वैसे। और अभी मैं आपको सुबह का अपने इस साइड का नजीबन नज़ारा दिखा देता हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ का सुबह का व्यू है। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, धूप भी आ चुकी है। तो अभी रास्ते लगे हुए हैं और मैं अकेला ही जा रहा हूँ। बुज़ुर्ग आदमियों से मिलके कुछ अलग ही मज़ा आता है, अच्छा लगता है उनसे मिलना और उनसे कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि लाइफ का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको ही होता है। पूरी लाइफ गुजर चुकी है और एक अब वृद्धावस्था में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरा जंगल का रास्ता है यहाँ पे, कुछ भी मतलब है नहीं। रास्ता भी आप देख सकते हैं, ये है रास्ता जा रहा और इस रास्ते से निकल रहा हूँ मैं। अब तो कुछ ही दिन पैदल चलना पड़ेगा, हो सकता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो हमारे गांव में रोड प्रॉपर पहुँच चुकी होगी, क्योंकि एक दो महीने बाद ही आऊँगा मैं फिर गांव। और फिर तो आराम से घर से ही गाड़ी में बैठ के जाएंगे। तो फिलहाल अभी जब तक है तब तक ऐसे चलना पड़ेगा। और ये हमारे जो एरिया का है सबसे प्रसिद्ध शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर है। और यहाँ पे भी रास्ते से मैं जब जा रहा था तो हमारे जो रास्ता है वहीं पे बीच में मंदिर पड़ता है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ के मंदिर को, क्या शानदार मंदिर है। आज बहुत दिनों बाद भोलेनाथ के दर्शन हो गए, इस मंदिर में आने का मौका मिला। क्योंकि वैसे दूसरा रास्ता भी हम दूसरे रास्ते जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा आज यहाँ से होकर चलते हैं तो मैं मंदिर में हूँ। आप मंदिर में देख सकते हैं कितना प्यारा है। मंदिर से थोड़ा आगे आप देख सकते हैं आजकल जो धान है, पूरी धान की कटाई हो चुकी है, मड़ाई भी हो चुकी है, अभी खेत फिलहाल खाली हैं। और आजकल पूरा इधर खाली खाली लग रहा है, खेत हैं देख सकते हैं। और सामने देख रहे होंगे रोड, तो वहाँ जाना है मुझे। अभी मैं हूँ अपने हमारे यहाँ के प्रसिद्ध भैरवनाथ का मंदिर पड़ता है, रोड के जस्ट किनारे में है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ और मैंने सोचा आपको भी मंदिर के दर्शन करवा दूँ। अब यहाँ से हम सीधा रुकेंगे सीधा अपने नानी के यहाँ। और तो चलो चलते हैं गाइस। तो हे गाइस, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ नानी के घर पे और अब देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। ये मेरे नानी का घर है, बेचारी अकेला अकेला रहती है और एक यहाँ पे है और यही है और इसके चारों तरफ मैं आपको व्यू दिखाता हूँ जो। तो गाइस, देख सकते हैं आप घर के सामने का व्यू,
ये है, यहाँ से आप देख सकते हैं नानी। प्रणाम। प्रणाम पहुंचे हैं। हाँ बढ़िया। क्या सर ही पहुंचे हैं? तो गाइस ये मेरी नानी और नानी के यहाँ पहुंच चुके हैं। नानी बैठी हुई है तो अब थोड़ी देर नानी से बात करते हैं। कंपनी नहीं खाने, कुछ नहीं वेबर लगाए को, कुछ खर्च नहीं होने ना। फोन भरे तो कुछ नहीं किया, जन फोन आए ना, फोन उठाया कर, कहें कहें फोन में ले मांग दे 100 रुपये भर दें तो थोड़ा बहुत बात भेज जान, कहें कहें ना इमेज कॉल मार मर वह जाएगा क्या। नानी प्रणाम। और ठीक है ना अब? कुछ हाँ जी और ठीक ठाक। हाँ बड़े नाना। हाँ भी आना मैं जरा नान तो मिली हूँ ना। अच्छा मैं देर दूँ, मामा देर दूँ। अच्छा देर दूँ नहीं। हाँ ठीक। अच्छा अच्छा बस। तो गाइज मैं नानी के घर से आ चुका हूँ और नानी से मिलके बहुत अच्छा लगा, थोड़ा उनको मिलके उनको भी अच्छा लगा क्योंकि कभी कभार तो आना होता है। और आपने भी गांव देखा होगा, चारों तरफ का व्यू देखा होगा वहाँ का, और मंदिर देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना वीडियो को। अब मैं गाड़ी यहीं खड़ी कर दूंगा और जाऊंगा मैं वहाँ, सामने दिख रहा होगा आपको तो वहाँ मेरा घर है, वहाँ जाऊंगा, गाड़ी यहीं खड़ी कर दूंगा मैं। तो चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।